चौराहे खन्ना कहाँ है? पता नहीं, अपनी ही पार्टी से गायब है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज मैं आप शौर्य बेबी, आज तुम्हारे हर प्लान का टी एंड मैं करूंगी। तुम्हें आप सबसे ये क्या चल रहे हैं सब? देखिए, वो तो हेल इज गोइंग ऑन देयर। भैया वहां पर जाके देख। मैं आज आप सबको एक स्पेशल इंसान के पास। I'm really sorry, ma'am. दिखता नहीं है तुम्हें? इसको यहां से लेकर जाओ। पता नहीं बेवकूफ मंदार कहां मर गया। लगता है मुझे ये सब संभालना पड़ेगा। देखिए, मुझे अपनी बात कहने के लिए आप सबका ध्यान चाहिए। ये स्टेज हो या माइक नहीं, क्योंकि आज जो मैं कहना चाहता हूं वो कोई बिजनेस अनाउंसमेंट नहीं, जिसका ढिंढोरा, जिसकी सक्सेस का ढिंढोरा मैं पूरी दुनिया के सामने पीटूं। मुझे आप सबको उस स्पेशल इंसान से मिलवाना है जिसकी वजह से ये इवेंट इतना सक्सेसफुल बना है। वंदना, जा बेटा। आज अगर मैं ये कहूं कि मैं थोड़ा इमोशनल हूं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जब आप किसी ऐसे से मिलते हैं जो आपको अंदर तक हिला दे, जो हर मुश्किल का सामना करके, हर चैलेंज को फेस करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, अपने आप को प्रूव करे, जैसे मेरी बीवी महक ने किया था, और आज ठीक वैसे ही वंदना ने किया है, तो थोड़ा इमोशनल होना तो लाजमी है। इसीलिए मैं वंदना को एक स्पेशल ट्रॉफी देना चाहूंगा। वंदना, हम सब जानते हैं तुमने सिर्फ एक कॉन्टेस्ट ही नहीं बल्कि हम सबका दिल भी जीता है। तुम जितनी बेहतरीन कुक हो ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत एक इंसान हो। ऐसी इंसान थी मेरी बीवी महक। आज मैं महक और उसकी इंस्पिरेशन की कुछ झलक आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। उस कॉन्टेस्ट के सफर की कुछ झलक भी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया और मुझे मेरी महक मिली। Can I have the AV, please? आगरा की संयुक्ता को बचपन से फूड पैशन है और हमारे गोवा के मार्क को 24/7 सी फूड बनाते हैं, और इसी तरह हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर 10 सेकंड में कंटेस्टेंट नंबर 7 नहीं आई, Enroll. Start counting. 5, 4, 3,
too. Excuse me. मैंने कहा था ना, वेलकम टू इंडिया सुपर कुक. कैन यू हैव द ट्रॉफी प्लीज. इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये पहली वो चीज है जो महक ने हमारे सेट पे मांगी थी. तालियां. महक, मैं सॉरी तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप ये चेक एक्सेप्ट करेंगे. प्लीज. काम कर रही हो तुम लोग? ढक्कन हो सबके सब. भाई रुको, मैं आ रहा हूं. एक पता नहीं ढूंढ पाए. दादी तो हीरो के होटल में गए हैं. पांच बहुत बड़ी पार्टी है. बेटा मुझे तेरी माँ से अभी मिलना है. तू मेरा बहादुर बच्चा है ना, मुझे लेके जाएगा ना माँ के पास? बेटा जल्दी चल. चलो, तुम लोगों के चक्कर में पहले बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है. घंटा धार, पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था. कहाँ? एम्बुलेंस आ गई है, बस आ रहा हूं. और सुनो, चलिए रेस्टोरेंट जाना है, चलोगे? तू फोन रखेगी तभी तो आऊंगा ना. नीव, ये दरवाजा क्यों खुला है? नीव, तुमने आज तक जो मेरे लिए किया है ये उसके लिए एक छोटा सा थैंक यू. क्या है ये? 25 लाख का चेक. कैसा लगा आपको? मैम आपने सबका दिल जीत लिया है. आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहती हैं? मैम आप डरी हुई लग रही हैं. मैम इसके पीछे का कारण क्या है? ये सब ये क्या हो रहा है? ओह गॉड, लगता है महक को सब याद आ रहा है.
मुझे लगता है उसे सब याद आ गया। जा जल्दी जा। वंदना एक मिनट रुको। मेरे और मेघ के रिश्ते की शुरुआत एक सनम के साथ हुई थी और मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता एक मिठास के साथ खत्म करना चाहता हूँ। तुम जा रही हो इसलिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। एक आखिरी गिफ्ट, आखिरी बार। विकी। हाँ भी। ये। ये तुम्हारे लिए एक आखिरी गिफ्ट। ये क्या है? ये महक की कुछ यादें हैं जिनके साथ मैं जी रहा था। अब तुम चली जाओगी तो सोचा तुम्हारे साथ भेजता हूँ। क्या है ना कि इनके साथ जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मेरे पास जो कुछ था महक का मैंने सब तुम्हें दे दिया है। मेरा नंबर अपने फोन से तुम डिलीट कर देना क्योंकि आज के बाद वो बेकार है तुम्हारे लिए। आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन करके परेशान नहीं करूंगा, नहीं तुम मुझे वापस कॉल करके गाली दोगे। आज के बाद तुम अपनी दुनिया में वापस और मैं अपनी दुनिया में वापस। किसी ने मुझसे सही कहा था तुम दोनों की दुनिया कभी एक थी नहीं। कुछ आता है तुम्हें याद करो, यहां से देखो इसको। नहीं जा पा रहे ना तुम दोनों यादों से? याद करो, मैं याद करो, देखो याद आया तुम्हें इसको देख के कुछ? याद करो इसको, देखो याद करो, मैं इसको देखकर याद करो कुछ। हमारे प्यार की पहली निशानी में कुछ तो याद आएगा तुम्हें। मैं बोलो, मैं Okay.
नहीं रहना मियां, नहीं रहना मियां, हम जा रहे हैं। कहां जा सकती मैं? कहां जा सकती मैं? जरूर याद आया होगा, याद आ गया होगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम्हें सब याद आ गया होगा। कहां रह गया मंदार, और अब मैं इस शौर्य का क्या करूं? भैया हमारे पास समय बहुत कम है, थोड़ा जल्दी चलो ना। मेरे बाप बेटे को देखा क्या? मेरे बाप बेटे को देखा क्या? मेरे बाप बेटे को देखा क्या? कोई आया था क्या यहाँ पे? यहाँ से थोड़ी देर पहले ऑटो चैन के पास जाते हुए देखा, बाकी मेरे को पता नहीं। मतलब बुढ़ों को होश आ गया, और होश में आते ही वापस अपनी हरकतों पर आ गया। महक के पास गया होगा मुझे बर्बाद करने के लिए। आज उसे मार डालूंगा, और महक को भी, और जो मेरे रास्ते में आएगा उसे भी मार दूंगा। आज आज अपने असली रूप में आने का वक्त आ गया। हाँ, वरना हमेशा हमेशा के लिए झेल हो जाएगी मुझे। नहीं, मैं रुक गया। जाओ जा। पैसे दे जा। मेरे और मेघ के रिश्ते की शुरुआत एक सनम के साथ हुई थी। यार तुम्हें कुछ याद है? याद करो, देखो ये देखो, याद करो इसको, देखे कुछ इनको देख के तुम्हें कुछ याद है? इसको देखकर याद करो कुछ, तुम्हारे प्यार की पहली निशानी नहीं। हमें सबसे दूर जाना है, सच ढूंढना है। इन दोनों में से हमारी जिंदगी कौन सी है? हमें तो हम साहब की महक भी रखते हैं और नीव की माँ भी। महक याद करो, ध्यान से देखो इसको महक, कुछ तो तुम्हें याद आएगा। हमारे प्यार की पहली निशानी नहीं, कुछ तो याद आएगा तुम्हें। बोलो, नहीं रह पाओगी ना मुझसे दूर? नहीं रह पाओगी ना उन यादों से दूर? मैं याद करो, ध्यान से देखो इसको मैं, कुछ तो तुम्हें याद आएगा। हमारे प्यार की पहली निशानी में कुछ तो याद आएगा तुम्हें। मैं बोलो, ध्यान से देखो मैं किसको, कुछ तो याद आएगा तुम्हें। मैं नहीं रह पाओगी ना मुझसे दूर? नहीं रह पाओगी ना उन यादों से दूर? मैं बोलो, मैं बोलो, मैं वंदना तो ठीक तो है ना? चल, मंदार कब से फोन कर रहा है? महक, महक, महक। साहब, आप फिर से ये सब शुरू मत कीजिए, जाने दीजिए हमें।
नीव इंतजार कर रहा है वंदना, चल यहां से। कहां जा रही हो? तुम्हें कुछ तो याद है ना महक, तुम्हारे चेहरे की बेचैनी बता रही है मुझे वो सच जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं मैं इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बोलो महक, चल के सबको बता दो सच, सबको बता दो कि तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। साहब जाने दीजिए, कुछ याद नहीं आया है हमें, और जो कुछ भी दिख रहा है याद आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही पहचान है कि हम नीव की माँ है, और अगर हम नीव की माँ है तो हम आपकी महक कैसे हो सकते हैं? दीजिए जवाब, बोलिए दीजिए जवाब, क्योंकि सच्चाई यही है कि हम नीव की माँ